सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सावन के शुक्ल पक्ष की दशमी और सोमवार होने के कारण इसे अमृत योग माना जा रहा है। श्रावणी मेला के अंतिम सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। भोर से ही सोमवारी के अवसर पर पवित्र शिवलिंग पर जलार्पण कर लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। सावन के शुक्ल पक्ष में दशमी और सोमवार होने के कारण इसे अमृत योग माना जा रहा है। इस सुखद संयोग के कारण पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जलार्पण का ये उत्तम अवसर माना जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के जलार्पण से अमृत जैसे फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सोमवार को जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी रही। जानकारों के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को समुद्र मंथन के अद्भुत रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्रावण की चौथी सोमवारी को समुद्र मंथन से देवताओं को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। जानकारों के अनुसार लक्ष्मी चंचला होती है, लेकिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का स्थिर स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि आज पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के जलार्पण से याचक को स्थिर लक्ष्मी के सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आचार्य राजेश पांडे ने सावन के अंतिम सोमवार के व्रत तथा पूजा अर्चना के लाभ के बारे में बताते हुए कहा। दूध आगे रख ले। राजेश पांडे, देखिए लास्ट सोमवार का पूजा सब लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी बड़ी भाग्य होती है वही सावन के लास्ट सोम का पूजा कर पाता है। तमाम विघ्न बाधाएं आती हैं इस पूजा के लिए, लेकिन जो बहुत सौभाग्यशाली होता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव के दरबार में लास्ट सोम को ही पहुँच पाता है। और बहुत अनंत काल के पुरुष के जब वो उदय होते हैं तभी वो भगवान का पूजन लास्ट सोमवार को कर पाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं उससे पूर्ण होती हैं। जैसे भगवान शिव की सबसे पहले पूजा पार्वती ने ही किया था सती के रूप में, इसलिए शिव की पूजा महिलाओं के लिए विशेष प्रधानता दिया गया है। विष्णु की पूजा पुरुष के लिए कहा गया है, इसलिए महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं और भगवान शिव का तन मन धन से पूजा करती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनका सौभाग्य बना रहता है, उनके पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के पूजन से उनके पति को, उनके पुत्र को आरोग्यता प्राप्त होता है, उनके वहाँ कोई रोग कोई दोष नहीं होता है भगवान के पूजन से, पाठ से, भजन कीर्तन से।